सोचा नहीं था मैंने कि इतना अच्छा बनेगा करके, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। बात मलाई में रस का नाम क्यों आता है? क्योंकि इसमें रस होता है ना, देखो इस कितना सूप है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दिन का टाइम, और आज मेरा घर का काम जल्दी हो गया था क्योंकि यहाँ भी आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, तो कपड़े वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा किए नहीं। तो आज मैं ऐसी बैठी थी, अभी यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा था, वॉल हैंगिंग का कुछ डेकोरेशन था, तो मैंने भी वो बनाने की सोची थी। सोचा नहीं था मैंने कि इतना अच्छा बनेगा करके, इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे ट्रायल कर रही थी तो बनते बनते वो बहुत अच्छा बन गया। दिखाओ हार्दिक, हार्दिक लेके घूम रहा है उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आज मेरी संडे की, अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट का कलर अच्छा ही होता है, इसलिए होता है ब्लैक कपड़ा। ये है वॉल पे लगाने वाला वॉल हैंगिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, काफी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। वॉल पे लगा के भी देखा ना, बहुत सुंदर लग रहा है। गुड इट इज। आपको कैसा लगा बेटी? अच्छा। कभी कभी होता है ना कोई भी चीज, बल्कि इसको मुझे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। कोई कोई चीज हम पहले से सोच के रखते हैं। पहले हमें कार्डबोर्ड लेना है, उसका एक सर्कल बनाना है, कम से कम 1-2 पर पता नहीं कितने बनाने होंगे, उसे ऐसे बनाना है। क्या होता है 4x ऐसा होता है ना, वो वाला ऐसा, हम आपको वीडियो में। ऐसे ही होता है जब हम कोई चीज सोचते हैं ना, सोच समझ के बनाते हैं, काफी मेहनत भी लगाते हैं उस पर, और वो चीज अच्छी नहीं बनती है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो काफी अच्छी बन जाती है। उसी तरह से ये भी मुझे तो इतना सुंदर लग रहा है, ये बन गया। इसीलिए अगर मुझे पता होता कि ये इतना प्यारा लगेगा और अच्छा बनेगा, सक्सेसफुल होगा, तो मैं वीडियो भी जरूर बनाती। तो एक बार मैं फिर से इसको बनाऊंगी एक दूसरे कलर में, और उस दिन वीडियो भी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बताइए हार्दिक जी, आप क्या बता रहे थे? कि ये इतना अच्छा है कि आप इसे बना सकते, उसके लिए कार्डबोर्ड लेना है, सर्कल बनाना है उसका। हाँ। कितने सर्कल कट करना है, तू वीडियो को स्टॉप करके काउंट कर लेना, ठीक है? और फिर हमको ब्लैक कलर करना है पूरा, और फिर 12 बनाना है गाइस, 12 सर्कल बनाना, और फिर उस पे धागा लगा देना है, और फिर बन गया, जिससे हम उसे टकाते होंगे। आपका जो जैसे बनाने का होगा टकाने वाला, वैसे आप बना देना, ठीक है? यहाँ पे काटे जा रहे हैं नाखून, संजय स्पेशल। अभी सुबह हो रही है गाइस, वी आर गोइंग टू डी मार्ट टू बाय पेंसिल एंड लेजर फॉर मी, बिकॉज आई वांट टू बी वन डे। बेटा इसमें क्यों नहीं बैठे? मैंने दरी रखी थी यहाँ बैठने के लिए पीछे से, इसमें क्यों नहीं बैठे? उठो उठो, इसमें बैठो। ये मैं तो स्पेशल आई थी बैठने के लिए कि हार्दिक इसमें बैठेगा करके। मैं लेके आया था बेटा, मैंने बाहर रखी थी ना यहाँ पे ना। ओके अब गर्वित की बारी आ गई, तो कराटे कर रहे हैं, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। क्या चीज बेटे? मुझे तो डर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कराटे कर रहा हूं, अभी बहुत थका भी हूं। यू आर हैप्पी? व्हाई वी शुड कट द नेल? बट बिकॉज़ ही इज नेल इज सो बिगर देन दैट। Now 17 only. Oh, that is very good. What? This one 30-40 becomes a. No, not 30-40. It is only 17%. He is right. Not wrong. Yes, that is there now. Now how much is become? Mom don't know also.
Mom, no, I also don't know. I think it's more much, but it's this much. I think he see because it's so much. That's why. तो फ्रेंड्स अब मैं बनाने जा रही हूँ गुड़पट्टी। हम लोग तो गुड़पट्टी ही बोलते हैं, पहाड़ के लोग वैसे चिक्की भी बोलते हैं उसे, और कई लोग उसको गज्जक पट्टी भी बोलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ट्राई करके देखती हूँ, कितने दिन से सोच रही थी, संजय का दिन आज का दिन मेरा ऐसा ही है, कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रह रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले कच्ची मूंगफलियाँ रख ली हैं रोस्ट करने के लिए, ताकि इनका छिलका भी अच्छे से निकल जाए और मूंगफली अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। और साथ ही बगल में रखी है मैंने चाय। मैंने सोचा जब तक मूंगफलियाँ रोस्ट करती हूँ तब तक चाय भी बन जाएगी, तो जब तक मूंगफलियाँ ठंडी होंगी तो फिर चाय पी लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मेरी मूंगफलियाँ हो चुकी है रोस्ट अच्छे से। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और ठंडे होने के बाद मैं इनके छिलके निकालूंगी। तो जब तक मेरी मूंगफलियाँ ठंडी होती हैं तब तक हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि मूंगफलियों का छिलका तभी निकलता है जब मूंगफलियाँ ठंडी होती हैं, गरम गरम मूंगफलियों का छिलका नहीं निकल पाता है। तो चाय पीने के बाद मैंने देखा तो मूंगफलियाँ काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और मैंने सारी मूंगफलियों का छिलका निकाल लिया, और लिया है मैंने एक कटोरी मूंगफलियाँ एकदम साफ बिना छिलके की, और एक कटोरी लिया है गुड़। अब गुड़ को डाल देते हैं कढ़ाई में और डालते हैं उसके ऊपर एक चम्मच घी, और उसको लगातार धीमे आंच में घुमाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स करीब 10 मिनट सिम आंच में इसको चलाने के बाद अब ये एकदम तैयार हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे मूंगफलियाँ जो कि मैंने रोस्ट करके और छिलका निकाल के पहले ही रख ली थी। अब ये ऑलमोस्ट बन ही चुका है, इससे पहले मैंने एक पेपर में घी लगा के तैयार कर लिया था जिसमें हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। फ्रेंड्स अभी ये है गरम गरम, तो इसके ऊपर एक और फॉइल लग के मैं इसको फैला रही हूँ ताकि इसके हम पीस अलग अलग कट कर सकें, सेम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेल दी हूँ इसको। अभी गरम गरम है तो इसका भी हम जो भी जितना फैला सकते हैं जैसे इसके पीसेस बना सकते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन जब से एक बार ये सेट हो गया और करारा हो गया तब से फिर इसका मुश्किल हो जाता है करना। तो मैंने इस पर कट भी लगा लिए हैं क्योंकि ये हल्का हल्का सा अभी गर्म है, तो मेरे से एक मिस्टेक हो गया है इसको कट लगाने में। मुझे इसमें सीधे और तिरछे कट दोनों लगाने चाहिए थे, पर पता नहीं कैसे मैं भूल गई, इसमें मैंने सीधे कट लगाए और तिरछे कट लगाना भूल गई जिससे कि इसके पीस नहीं निकल पाए। अब आप देखिए इसके सीधे सीधे ही पीस निकल रहे हैं और एकदम करारी हो रही है मेरी गुड़पट्टी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, सेम मार्केट की जैसे हो रही थी बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। दोनों तरफ कट नहीं लगाने की वजह से पीसेज अच्छे नहीं बने हैं,
लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो आप भी ज़रूर बनाइए, और आजकल तो सर्दियों में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी सब्ज़ी बन गई है और आटा भी मैंने लास्ट में रख दिया है। अब हमको जाना है थोड़ा शॉप पे बाहर, क्योंकि हार्दिक ने गिफ्ट लेके जाना है स्कूल में सीक्रेट संता का। तो खाना वगैरह तो ऑलमोस्ट बन गया है, तो अब चलते हैं बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी शॉप पे बाहर, थोड़ा सामान भी लाना था घर का, और हार्दिक के लिए गिफ्ट भी लेके आना था। घर में निकाल दिए चॉकलेट। तो मैं सोच रहा हूँ वो कर लूंगा, सही में सोच रहा हूँ कि हाथ ले लेना, हाथ लेके जाएगा और घर में इतना चॉकलेट नहीं खाने। मेरे को हाथ नहीं लाए, क्यों गेस कर दे लो। हो चुका है, वही वहाँ से ऐसे ही लेके आए थे, घर पे आके मैंने पैक किया और हार्दिक का नाम भी लिख दिया। लो हार्दिक, इसको रख दो। और एक काम करना, कुछ करना है इसका, अभी सुबह को किसी को नहीं निकालना है। नहीं, इसको रख दो, बैग में रख दो। तो आप बनाते हैं रोटी, सब्जी तो मेरी रोटी बन चुकी है सारी, और बच्चों ने तो खा भी लिया है, और हम मैंने अपने लिए बना के रख ली है। तो उनको सबसे पहले रसमलाई देती हूँ, क्योंकि कब से इंतजार कर रहे, बच्चों को ना रसमलाई बहुत पसंद है तो इसलिए उनसे रहा नहीं जा रहा, तो उनको देती हूँ पहले रसमलाई, और फिर हम खाते हैं खाना। क्योंकि इसमें रस होता है ना, देखो इस कितना सूप है इसमें रस। मलाई, ये मलाई तो है बीच में, ये जो ये है ये मलाई है। बन गई हार्दिक, बन गई रस मलाई। तो फ्रेंड्स, अब हम भी खाते हैं खाना। हम भी, और इस ब्लॉग को भी मैं ही पेंट करती हूँ। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स, गुड नाइट बोलो।
आने से पहले खाना भूलना होता है। फिर बुलाए।